दोस्तों आज है मेरा बर्थडे और मेरे को सबसे पहले तिल्ली ने विश किया। लास्ट टाइम भी तिल्ली ने विश किया था। ये तिल्ली कौन है बताऊंगा आने वाले टाइम में। भाई तिल्ली की बात कर रहा हूँ जिससे आग लगाते हैं। बाहर से चेहरा बहुत खुश नजर आता है और अंदर से टूटा हुआ है, प्यार में नहीं मोहब्बत में। ये कैसे कैसे एंगल से शूट कर रहा हूँ मैं। लिटरली गाइस मैं अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। आपको तो दिखता है कि 8 लाख सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, अब तो अच्छा खासा पैसा आ रहा होगा। आ रहा है, अल्लाह का शुक्र। बाय द वे थैंक यू सो मच। 12 बजने के बाद इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मेंशन करना शुरू कर दिया, चुन्नू भाई का बर्थडे 1 करोड़ साल जियो। तो इसीलिए तो आपसे मोहब्बत है मुझे, आई लव यू। तो इस वीडियो में सरप्राइज भी है आपके लिए, एक छोटा सा, आपके काम का हो भी सकता है और नहीं भी। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इससे पहले जब मेरा बर्थडे आया था तो मैंने टारगेट बनाया था कि नेक्स्ट बर्थडे तक 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूंगा, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया 8 लाख तो हो गए। बट अभी चैनल में प्रॉब्लम चल रही है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम चैनल में नहीं है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, रीच नहीं जा रहा है यार, बिल्कुल भी लोगों के सामने YouTube मेरा वीडियो नहीं भेज रहा है। मतलब जितने इंप्रेशंस मिलने चाहिए उतने इंप्रेशंस नहीं मिल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आने वाला टाइम में मैं इसको भी फिक्स कर लूंगा, और मैं कोशिश करता हूं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की, जिससे कि आप भी अपने यूट्यूब चैनल को इजिली ग्रो कर पाओ। जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप ना करो, अदरवाइज आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो जाएंगे और व्यूज डाउन आने शुरू हो जाएंगे। तो जब टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ था उस टाइम मेरी हर एक वीडियो पर 40-50 हज़ार व्यूज आते थे, 1 लाख व्यूज भी इजिली आ जाते थे एक एक दिन में। तो अभी 4 बज चुके हैं और मैं पिछले 2 या 3 घंटे सोच रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट देना है। पीछे नोटबुक रखी हुई है, मैंने उसमें नोट कर लिया कि आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है, और आगे भी प्लान करता रहूंगा, ऐसा नहीं कि पूरे साल का लिख लिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, अपने भाई को इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मैं अपने बर्थडे पर आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है तो टारगेट बना लीजिए, लिख लीजिए नोटबुक में कि इतने टाइम में मेरे को ये अचीव करना है तो करना है, और जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए रुकना नहीं है। आपने क्यों लिखा था नोटबुक में वो सोच लेना है, आपने इस काम को किस लिए स्टार्ट किया था वो सोच लेना है। बिकॉज काफी पर्सन को जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो वो पीछे हट जाते हैं, ऐसे में मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ, इतने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं व्यूज डाउन आ रहे हैं। तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बट कैसे करूं, एक तो लॉकडाउन, सेकंड थिंग जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो उस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना, केक पूरा लगा दिया उल्टा सीधा गिरा दिया, कोल्ड ड्रिंक एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं, ऐसे भाई मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। आने वाले टाइम में आपको जुन्नू की टेक चैनल पर इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स की आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बूस्ट कर सकते हो रील्स के थ्रू। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, मैं खुद भी रील्स बनाऊंगा आने वाले टाइम में। वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, अपने भाई को यहाँ तक लेकर आने के। और अगर आपने अभी तक विश नहीं किया कर दो ना यार, तो मुझे मेरे बर्थडे पर आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहिए, आप लोगों का प्यार। और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच अपने भाई को इतना विश करने के लिए और याद रखने के लिए कि 13 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है। बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए, सीरियसली। थैंक यू। जैसे आज मेरा बर्थडे है तो हर अप्रैल को ऐसे रहेगा ना?